हेलो छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और स्वच्छ भारत पे आपको ये सामान्य आधारित विषय का प्रश्न है। तो योजना चली रही है, आप जानते हैं, तो इस पे बहुत सी योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना है, तो इस पे सवाल भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है करंट जो है इस पे। तो आप देखें तो स्वच्छ भारत लक्ष्य को एक रेफरेंस मैंने लिया कि लक्ष्य एक मैंने आपको पढ़ाया है प्रकाश की तीव्रता से जो है लक्ष्य और सोलर का, इस पर एक मैंने आपको रिपोर्ट भी 60 पेज की क्लास में स्कूल में 2015 से तो हम लोग दे ही रहे हैं। और ताकि सोलर का जो प्रॉपर लक्ष्य का और प्रॉपर लक्ष्य में रहें भी पढ़ें भी, ये भी ज़रूरी है। और ये चीज़ इसको हमने इस रिपोर्ट को पीएमओ ऑफिस में भी, एचआरडी में और दिल्ली गवर्नमेंट सरकार को, उनका तो मैसेज भी आया था दिल्ली गवर्नमेंट सरकार का मेरे पास कि नहीं हम लोग इस पर ज़रूर सोचेंगे और साथ ही साथ शिक्षा पे भी सोचेंगे कि गवर्नमेंट जो प्राइमरी बेसिक शिक्षा है हमारी 6, 7, 8 की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आई एस पी सी एस बनने के लिए। तो स्वच्छ भारत पे अगर आपको आता है तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि आपकी अगर नीयत साफ़ रहेगी, मन साफ रहेगा, तो आप अपने दरवाजे के ऊपर झाड़ू खुद लगा लेंगे, चाहे आप कितना बड़ा आदमी है, तो उसको सही जगह पहुंचा भी देंगे, गमले में, मिट्टी में। और मिट्टी चीज़ मिट्टी में चली जाएगी तो भी बुरा नहीं है। और मानवता आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि आपका कोई ना कोई तो धर्म होगा ही, तो उसमें मानवता ज़रूर पढ़ाया जाता होगा और ईश्वर तो सब मानते हैं। और रही बात सरकार की, तो इनसे हमको सिर्फ आप ही चुनते हैं और ये आपको एक व्यवस्था दे देते हैं, कभी शिक्षा में और स्वास्थ्य में आयुष्मान योजना आपसे पूछ सकता है। और छात्रों आप हमेशा याद रखिए कि ये आपसे एक सवाल ज़रूर पूछेगा कि भारत धनी देश है मगर लोग यहाँ के निर्धन हैं, तो ये एक सामान्य आधारित विषय का सवाल भी है। मैंने आपको इसका उत्तर आपसे 5 लाइन 10 लाइन या 2 पेज 3 पेज आप ज़रूर बताइएगा कि कितनी वन औषधियाँ आपके यहाँ फेंकी हुई हैं। 98 से हम लोग डॉक्टर जरियाल साहब थे भोपाल में और वो सेड मैप के डॉक्टर जरियाल साहब थे और हम हमारे एक मेरे भाई अनिल सिंह वो लोग मिले उनसे और लेमन ग्रास और बहुत सी चीज़ों पर करीब 250 पौधे थे उसमें सुगंधा सुगंधा बहुत सी चीज़ों ने दिया, किताब भी दी लेकिन उस समय उतना था नहीं। लेकिन उनसे हमें ये बात मिली कि हम लोग वास्तव में धनी हैं, गिलोय जैसे चीज़ें आपके सूची कहाँ होती है और पपीता क्या है, आपका डेंगू है, जहाँ एलोपैथ हारता है वहाँ आपका सुर होता है, तो आप वास्तव में धनी हैं। और बस थोड़ा पैसे के लिए इधर उधर हैं तो 10-20-25 हज़ार के लिए तो आप व्यवसाय शिक्षा पढ़ते ही हैं, आराम से कमा सकते हैं और आपको बैंक भी आप सरकार दे रही है, लोन दे रही है 50,000-1,00,000, तो आप कर सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल मेरा आपके लिए है कि आप स्वच्छ भारत में आप भी अपनी सहभागिता निभाइए, अपने दरवाजे को साफ करिए, कूड़े कचरे को मिट्टी में जरूर ले जाइए, पानी में डालना ठीक नहीं है क्योंकि पानी जो है वो नदी का हो या नाले का, जहाँ भी हो साफ हो ठीक रहे तो अच्छा रहता है। तो इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा क्योंकि छोटा है और सामान्य आधारित का क्वेश्चन है। भारत धनी देश है लेकिन लोग यहाँ के निर्धन हैं, तो इस चीज़ पर आप 5 लाइन हमको लगता है कि लिख ले जाएंगे इस चीज़ को अगर आप समझ सकते हैं तो। और रेफरेंस में मैंने डाल दिया है कि सिर्फ लक्ष्य में, प्रॉपर लक्ष्य में रहें, 500 लक्ष्य में आपको पढ़ना चाहिए और कभी भी सूर्य की रोशनी में आप सीधे ना पढ़ें, और अगर बहुत मुसीबत हो तो और बाहर निकलें तो गमछा और चश्मा के साथ, और सड़क पे हैं तो मान लीजिए उनका बाइक वगैरह तो हेलमेट वगैरह बहुत ही अच्छा है, वो आपका पूरा का पूरा लक्ष्य को एकदम ब्रेक कर देगा। मैनी मैनी थैंक्स स्टूडेंट्स अगेन।